नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉर्थ कंट्री प्लाजा होम्स में। आज मैं आपको 112 स्क्वेयर यार्ड के हाउसेज दिखाने जा रहा हूँ, जिनका फ्रंट रहेगा 21 फुट और जो लेंथ रहेगी वो है 48 फिट। तो ये गेटेड सोसाइटी के अंदर बन रहे हैं और अप्रूव्ड एरिया के अंदर है, MCA अप्रूव्ड है, जिसमें आपको प्रॉपर रोड मिलेगा, प्रॉपर सीवरेज मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो लोकेशन रहेगी एक खरड़ लुधियाना नेशनल हाईवे पे, यहाँ से 3 किलोमीटर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और अपोजिट इसके हाईवे है, वो मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो सीधा हाईवे चला जाता है लुधियाना को। अगर आप आ रहे हैं चंडीगढ़ से तो आपने जाना है खरड़ लुधियाना हाईवे पे। तो यहाँ से 3 किलोमीटर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और इस जहाँ पे हम हाउसेस बना रहे हैं इसकी बैक साइड पे GGS सचदेवा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बिल्कुल एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आप इसको ले सकते हैं अगर। तो 3 बेडरूम हाउस ये हमने बनाया हुआ है, जिसमें 2 बेडरूम सेट ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे और विद अटैच वॉशरूम, और 1 बेडरूम सेट हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हुआ है। तो इसका जो प्राइस रखा हुआ है हमने वो है 58 लाख, और मैं इसका अंदर से भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको इसका बाहर से दिखाया कि हमने कैसी कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि डेली की वीडियो की अपडेशन आप तक मिलती रहे। एंड हमारे पास इससे कम बजट के हाउसेज भी हैं, अगर आपका इतना बजट नहीं है तो हमारे पास कम बजट के हाउसेज भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन तभी दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर घर लें तो आपको पता चले कि हमने कैसी कंस्ट्रक्शन की हुई है, कैसा घर बना हुआ हमारा। तो इसमें हमने 5 फीट तक हमने ACC की ब्रिक यूज़ की हुई है, जिससे आपके घर में कोई सीलन की दिक्कत नहीं आएगी, और प्रॉपर टाई बीम घुमाया हुआ है, चौगाड़ लगी हुई है कॉर्नर। तो अभी मैं आपको सैंपल घर दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम अंदर से घर कैसे रेडी करके आपको देते हैं। तो मॉड्यूलर किचन बना के देंगे आपको, जैसे ये किचन बना हुआ है एज इट इज़ आपको घर में ऐसे रेडी करके हम कर देंगे। और लिविंग एरिया आ जाता है हमारा, जिसमें आपको डाउन सीलिंग रहेगी और प्रॉपर तरीके से हमने एज ए सैम्पल घर बनाया हुआ है, ताकि कस्टमर को क्लियर रहे कि हम अंदर से भी कैसे घर रेडी करके देते हैं। तो वॉल पे हमने वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं और स्प्लिट AC का प्रोविज़न दे रहे हैं हम सारे हाउसेज में। और ये आ जाता है हमारा LCD पैनल। तो लिविंग एरिया में आपको LCD पैनल बना के देंगे, जिसमें हमने जो काम किया हुआ है सारा PVC शीट यूज़ की हुई है, कोई माइका यूज़ नहीं किया हुआ है। और अंदर बेडरूम का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। तो बेडरूम में भी हम LCD पैनल दे रहे हैं, वॉल पे हमने वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं। तो कबर्ड्स आप देख सकते हैं, एज इट इज़ कबर्ड्स आपको मिलेंगे, फुल हाइट तक कबर्ड्स रहेंगे, स्लाइडिंग कबर्ड्स रहेंगे। और इसमें ड्रॉर देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे ड्रॉर्स बनाए हुए हैं, सामने हमारा LCD पैनल आ जाता है। तो एज इट इज़ वर्क रहेगा आपके घर में, जिसमें बेडरूम में भी हम डाउन सीलिंग देंगे आपको। और इसके अटैच में आ जाता है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम में हम 10 फीट तक आपको टाइल वर्क देंगे, और सेरा की सारी बाथ फिटिंग रहेगी, इसमें भी हमने डाउन सीलिंग की हुई है, वॉशरूम में भी। अभी मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखा देता हूँ। तो सेकंड बेडरूम में भी सेम हमने LCD पैनल दिया हुआ है, अटैच विद वॉशरूम आ जाता है, और फुल हाइट तक कबर्ड्स रहेंगे। तो कोई माइका हमने इसमें चूज नहीं किया हुआ है, सारा का सारा PVC शीट यूज़ की हुई है और ऊपर डाउन सीलिंग दी हुई है। वॉशरूम में हम फुल हाइट तक टाइल वर्क दे रहे हैं, स्पेंजा का टाइल वर्क है। तो अभी दोस्तों जो मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, हम ऐसे ही रेडी करके आपको घर देंगे। एंड अभी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, ऊपर का लेंटर डाला हुआ है अभी, तो अंदर प्लस्तर वर्क चला हुआ है। अंदर से भी मैं आपको इसकी वीडियो दिखा देता हूँ। तो 112 गज का ये हाउस बनाया हुआ है हमने, डबल स्टोरी। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है पार्किंग एरिया, पॉश एरिया, और इसके साथ में आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में हम आपको कॉर्नर विंडो आ जाती है, साथ में ऊपर हम डाउन सीलिंग करके देंगे आपको, स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया हुआ है। और इसके साथ में यहाँ पे बनेगा हमारा किचन, जो कि मैंने आपको मॉड्यूलर किचन दिखाया, ऐसे ही यहाँ पे हम बना के देंगे आपको। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ। तो ये जो हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा, इसके साथ हमने कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है,
तो वॉशरूम यहाँ पे रहेगा जिसमें हम फुल हाइट तक आपको टाइल वर्क देंगे, और इसके साथ में आ जाता है ये बेडरूम एरिया जो कि मास्टर बेडरूम रहेगा, और इसमें हम आपको फुल हाइट तक कबर्ड वर्क देंगे, डाउन सीलिंग देंगे, और साथ में आ जाता है ये हमारा वॉशिंग एरिया। तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया रहेगा, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह लगा के वो कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन के लिए पीछे विंडो रहेगी। तो अब चलते हैं सीधा हम सेकंड बेडरूम की ओर। तो सेकंड बेडरूम देख सकते हैं आप कितना बड़ा बेडरूम रहेगा, 10x14 का बेडरूम रहेगा। इसके साथ में हमने अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, वॉशरूम में फिटिंग हो रही है जिसमें आपको 10 फीट तक टाइल वर्क रहेगा, वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाती। तो अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आया हूँ। तो पार्किंग जो एरिया हमारा पॉर्च एरिया, वहाँ से हमारी बाहर से पौड़ी रहेगी फर्स्ट फ्लोर के लिए, और फर्स्ट फ्लोर में ये एंट्री करते ही हमारा जाता है बालकनी एरिया। बालकनी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बालकनी रहेगी, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमने बनाया हुआ है 1 बेडरूम सेट। इसके सामने आप एरिया देख सकते हैं, सामने हमारा पार्क रहेगा और हाईवे आपको सामने नज़र आएगा। ओमेगा और ओरा के बिल्कुल अपोजिट हमने ये लैंड काटी हुई है, और यहाँ से 3 किलोमीटर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। एज ए रेंटल पर्पज़ के लिए भी आप यहाँ पे हाउस ले सकते हैं, अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी और गेटेड सोसाइटी बन रही है। तो अभी एंट्री करते हैं हमारा 1 बेडरूम सेट की ओर। तो ये हमारा आ जाता है किचन एरिया, यहाँ पे किचन रहेगा, किचन जो हम आपको बना के देंगे मॉड्यूलर किचन रहेगा, और इसके साथ में हमारा आ जाता है बेडरूम एरिया। बेडरूम में हमारी ये कॉर्नर विंडो रहेगी। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन वीडियो तभी दिखा रहा हूँ ताकि हमारे कस्टमर जो बाय करना चाहते हैं हमसे घर, उनको पता चले कि हम कैसी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आप रेडी घर भी लेते हैं आपको क्या पता उसमें क्या यूज़ हुआ है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम आपको रेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ घर दिखाएं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमारा घर कैसे बन रहा है। तो इसके साथ में यहाँ पे रहेगा किचन एरिया, वॉशरूम एरिया। वॉशरूम हमने बाहर दिया हुआ है, तो यहाँ पे वॉशरूम रहेगा, और पीछे ये हमारा ओपन एरिया जाता है। कल को आप अगर इसको कवर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। 2.5 स्टोरी तक नक्शा पास रहेगा, इसके ऊपर भी आप 1 स्टोरी बना सकते हैं, और आसपास का एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हाउसेस बने हुए हैं नियर बाई। अच्छा सेफ एरिया है और अप्रूव्ड एरिया के अंदर है, MC अप्रूव्ड है, जिसमें आपको लोन मिलेगा, वाटर मिलेगा, सीवरेज मिलेगी एंड लाइट मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर पर